कुछ पल का बादल है, हटेगा एकदम हटेगा क्या भाई? बिल्कुल हटेगा, और आप जैसे भैया लोग होंगे तो बिल्कुल हटेगा, एकदम हटेगा। ये काला बादल जो है जरूर हटेगा। दो दिन से हम लोग ट्रैवलिंग पे हैं और बस हिम्मत और हौसला ही है कि हम लोग आज जहाँ भी हैं, जैसे भी लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हिम्मत और हौसला से ही कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हारना है। जो लोग भी संघर्ष में साथी हैं, जो लोग भी साथ दे रहे हैं, सबको धन्यवाद है, सबको जय बिहार मेरे तरफ से। और जो सपना लेकर मनीष का सर चला था, आज वो सपना अब जो मनीष का सर पे नहीं रह गया है, आज बिहार के करोड़ों लोगों का सपना है जो अपने घर परिवार सबसे दूर जो बाहर रहते हैं उन सबका यह सपना है, सबका यह सपना है, सबका यह सपना है। और ये सपना पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। विरोध अनिकेत भैया के को आप लोग प्यार बनाए रखिए, इनके हिम्मत को मैं क्या बताऊं। कल हम लोग को निकलना था एक जगह और इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगर बैक कैमरा हो तो मैं बोलूंगा दिखाने के लिए कि पूरा शीशा क्रैक है और हम लोग दो दिन से अभी ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं लेकिन अभी तक गाड़ी बनवाने का टाइम नहीं मिला। ये पूरा शीशा मार दिया लोग इसमें, अब क्या कहा जाए, किससे क्या बोला जाए, पूरा ये पूरा फूटा हुआ है पूरा, लेकिन फिर भी है, काम तो है, काम तो है। अनिकेत भैया का प्यार और हिम्मत और हौसला जो बिल्कुल डगमगाए नहीं कि नहीं चलना है तो चलना है। चलिए, आप सभी का साथ और प्यार इसी तरह मिलते रहना चाहिए, साथ बनाए रखिएगा। और एक बात और है, जो लोग अगर विरोध कर रहे हैं उनको भी हम, उनसे भी हमारा कोई द्वेष नहीं है। आप कर सकते हैं, करिए, आपकी इच्छा है वो, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमारे तरफ से शुभकामना है, प्यार है आप सभी के लिए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने भविष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर अस्पताल में दवाई होगा तो केवल अनिकेत या मनीष कश्यप के घर का इलाज नहीं होगा। स्कूल में अगर शिक्षा व्यवस्था होगी तो अनिकेत और मनीष कश्यप के घर परिवार वाले नहीं पढ़ेंगे। अगर बिहार में रोजगार की व्यवस्था होगी तो मनीष कश्यप और अनिकेत पांडे के घर वाले ही केवल नौकरी नहीं करेंगे, पूरा बिहार को वह सुविधा मिलेगा, पूरा बिहार को वह व्यवस्था मिलेगा। और यही बात, जिंदगी क्या है, अगर कुछ जिंदगी और घटा में कुछ काले बादल हैं तो काले बादल हटेंगे, फिर से सूरज उगेगा, फिर से नया बिहार बनेगा और फिर से नया प्रयास होगा, निश्चित रूप से होगा। और विशेष हम क्या कहें, आप सभी के आशीर्वाद, सपोर्ट और प्यार से हम लोग निकल पड़े हैं। और आप सभी अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जो प्रयास किया है, जो व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है, सबके लिए है वो। आज भाई गए थे मदुरई मिलने मनीष कश्यप से, तो इन्होंने मिलने के बाद जो बात बताया, हमको लगता है कि बिहार का कौन ऐसा लोग होगा जो इनका बात सुन के नहीं रोया होगा। जो कष्ट, जो तकलीफ मनीष कश्यप ने बयां किया है इनको, ये तो बता भी नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है, ये तो समझा भी नहीं पा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने क्या दर्द बयां किया है, ये तो कह भी नहीं पा रहे कि मनीष कश्यप को कितना ज्यादा दर्द है, तकलीफ है। वो इंसान यहां तक कहने को मजबूर है कि कुछो करो लोगन, बिहार बोला लो लोगन, हमरा के सुनिएगा और सोचिएगा, कुछो करो लोगन, बिहार बोला लो लोगन, जेल में रखिए लोगन लेकिन बिहार बोला लोगन, बेल मत दिया लोगन लेकिन बिहार बोला लो लोगन। हम अपना बिहार के जेल में रहम, अगर सरकार के नजर में हम दोषी बनी तो हमरा के बिहार के जेल में रखो लोगन, लेकिन इन्हें उन्हें में हमरा बहुत दिक्कत हो रहा बटे। ये कष्ट केवल मनीष कश्यप का कष्ट नहीं है, ये उन तमाम बिहारियों का कष्ट है, तमाम बिहारियों से मनीष कश्यप का अपील हुआ है। भाई मेरे, जो भी उस लड़के का समर्थन कर रहा है, आप समर्थन उसका करिए, उसका विरोध नहीं करिए। मनीष कश्यप क्या कहा करता था, भाई मेरे, जिस दिन बिहार के लोग टांग खींचने के जगह एक दूसरे का हाथ खींचने लगे, कोई माई का लाल नहीं है जो बिहार को विकसित होने से बचा ले, बिहार को अच्छा होने से और बढ़िया होने से बचा ले। निश्चित रूप से हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, वो इमोशन, वो बात हमारे पास तो नहीं है, लेकिन बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सभी साथ दे, सपोर्ट करें। और जो भाई हमारे विरोध कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे कि आप तमिलनाडु नहीं जाइएगा मनीष कश्यप से मिलने, तो जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ।
मेरे लिए वहां जाके उनसे मिलना कोई बड़ी चीज नहीं, और जाऊंगा भी, मैं तुरंत जाऊंगा भी, मिलूंगा भी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मेरे अकेले मिलने से क्या होगा, हम लोगों का प्रयास है कि पूरा बिहार मनीष कश्यप से मिले और बहुत जल्द मिले। एक मेरे जाके वहां मिलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मिलूंगा ही। जैसे कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ प्रयास स्टार्ट किए हैं घूमना, बीच में छोड़ के क्या जाए, लेकिन फिर भी कुछ समय निकालने का प्रयास करेंगे। अगर समय निकलेगा तो हम जाएंगे भी, लेकिन हमारा प्रयास केवल हमारा अकेले जाके वहां मिलना नहीं है, हमारा प्रयास है कि कम से कम पूरा बिहार मिले मनीष कश्यप से। वो प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, पूरा बिहार मिले मनीष कश्यप से। और यही बात है, जिंदगी तो सबको मिली है, सबकी जिंदगी एक दिन जानी है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, तो वो कहानी हम नौजवान सभी मिलकर लिख रहे हैं। और इस दुनिया में हम लोग रहे ना रहे, हम लोगों की कहानी जरूर बात की जाएगी, बस वही प्रयास है। न कुर्सी की लालच है, न सत्ता की लालच है, बस व्यवस्था परिवर्तन की लालच है, बस व्यवस्था परिवर्तन की लालच है। बड़े बड़े लोग जब अस्पताल में जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है, बेड मिल जाता है, लेकिन एक आम आदमी गरीब जाता है तो उसको ना बेड मिलता है ना इलाज होता है, क्यों? हमारा प्रयास है व्यवस्था परिवर्तन, कि एक आम आदमी जाए तो वही सुविधा मिले जब वहां एक मंत्री जाए, वही सुविधा एक आम आदमी को मिलने चाहिए। अगर यह मेरा सपना जब गलत है तो आप विरोध करिए, अगर मेरा यह प्रयास गलत है तो विरोध करिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी इंसानियत के नाते यह सही हो तो समर्थन करिए, अगर हमारा सोच सही हो तो समर्थन करिए। क्योंकि अब भाई जब गया है मिल के आया है ना, तब से पूरा बिहार टूट गया है, पूरा बिहार टूट गया है। और इस टूटे बिहार को, इस टूटे हिम्मत को आप ही लोग जोड़िएगा, एक अकेला अनिकेत या अकेला मनीष कश्यप का सबका परिवार नहीं जोड़ सकता है, आप सबका साथ आपका